तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके लिए एक धांसू एडिटिंग वीडियो लेकर आ चुके हैं। बैकग्राउंड चेंज और फेस स्मूथिंग वाला। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। या मेरे लेटेस्ट वीडियो आने के लिए सबसे पहले आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं पिक्सआर्ट के अंदर। 13 हम लोग का पिक्सआर्ट देख सकते हैं, खुल रहा है। थोड़ा देर वेट कीजिए, अभी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो जहाँ भी वहाँ से आप ले लीजिए। जैसे कि मेरा फ़ोटो है पिक्सल लैब में, तो यहाँ से हम ले लिए फ़ोटो। अभी टूल्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बाल हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे उस वाले ऑप्शन को लेकर, और थोड़ा हम लोग जूम कर लेंगे। और जूम करने के बाद देखिए हम लोग का जूम हो गया है। इतना जूम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर ही रह लेंगे। उसके बाद बाल हम लोग उठाएंगे, और उठाने के बाद देख सकते किस तरह बाल हम लोग का उठ रहा है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए तब समझ में आएगा, नहीं तो बाद में बोलिएगा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बाद में कमेंट करेंगे। तो फुल वॉच कीजिए आप, देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से हम लोग का बाल उठ रहा है। देख सकते हैं कितना ऊपर उठ चुका है। हम लोग चलते हैं यहाँ से ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर से टूल्स पर क्लिक करेंगे, एडजस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से लाइट बढ़ा लीजिए अपना फेस, अपने फ़ोटो के हिसाब से जितना अच्छा रखने का मन है वहाँ से बढ़ा लीजिए। जैसे मतलब फेस में लाइट नहीं है उसे उस तरह बढ़ा लीजिए। जैसे कि हम मेरा हो चुका है, यहाँ से ओके कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर कर तो ये बैकग्राउंड हम लोग ले लेंगे। बैकग्राउंड लेने के बाद फ़ोटो हम लोग लगाएंगे, इस वाले बैकग्राउंड लेंगे। तो देख लीजिए हम लोग का यही बैकग्राउंड रहेगा फ़ोटो में। इस हम लोग इसको क्रॉप कर लेते हैं साइड साइड। तो क्रॉप वाला ऑप्शन में आने के बाद क्रॉप कर लेते हैं, बस हो गया। यहाँ हम लोग थोड़ा ब्लर कर लेंगे, ब्लर वाला ऑप्शन कीजिए, इस वाले ऑप्शन में थोड़ा छोटा कीजिए और कोने में लगाइए, और इसको फीका कर दीजिए इधर से। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा इसलिए नहीं हो रहा इधर वाला, तो हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देख सकते हैं कितना छोटा हो चुका है। छोटा करने के बाद आप जितना रख सकते हैं हम इतने रखेंगे ब्लर। तो यहाँ से अपना फ़ोटो ऐड कर लीजिए। देखिए फ़ोटो ऐड पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मेरा फ़ोटो यही है तो हम ऐड कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ऐड हो रहा है। तो यहाँ जो ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद अपने आप बैकग्राउंड कट जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से। मेरा बैकग्राउंड कटने के लिए रेडी हो चुका है। अभी देख सकते हैं थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा अपने आप। तो देखिए हम लोग का बैकग्राउंड किस तरह हो चुका है, दूसरे बैकग्राउंड में लग चुका है अभी। तो हम लोग इधर उधर थोड़ा साइज में कर देंगे फ़ोटो को। साइज में रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हम लोग का यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद स्नैपशॉट के अंदर आ चुके हैं। प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिए, आपका फ़ोटो जहाँ भी है वहाँ से ले लीजिए। मेरा जैसे कि पिक्सआर्ट में है तो वहाँ से ले लिए हम फ़ोटो। तो टूल्स वाला आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, और बिंदी वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद जो जगह लाइट नहीं है उस जगह बढ़ा लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बढ़ रहा है हम लोग का लाइट। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरह हो रहा है किस तरह नहीं, लेकिन अच्छे होगा। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हो रहा है हम लोग का वीडियो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। तो अभी देख रहे हैं हम लोग लाइट ताइट बढ़ा रहे हैं अभी, कितना अच्छे तरीके से बैकग्राउंड भी अच्छे तरीके से हो रहा है हम लोग का मैचिंग। तो देख सकते हैं कितना धमाकेदार हो रहा है। तो यहाँ पर ओके वाला क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देख सकते हैं हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं कितना फ़ोटो हम लोग का ब्लैक ब्लैक है जिस जगह। तो हम लोग यहाँ से लाइट बढ़ाएंगे, किस जगह है देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं।
दिक्कत, इस वाला ऑप्शन को थोड़ा हम लोग माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हो रहा है हम लोग का फोटो। तो यहाँ थोड़ा लाइट को हम लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद तीन नंबर ऑप्शन को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर दो नंबर वाला ऑप्शन को थोड़ा बढ़ाएंगे, और तीन नंबर वाला ऑप्शन को थोड़ा बढ़ा लेंगे। साइड साइड का है कि ब्लैक हो जाएगा हम लोग, तो अब हम लोग कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये तीन नंबर ऑप्शन को बढ़ा लेंगे, और चार नंबर को थोड़ा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीला को हम लोग बढ़ा लेते हैं इधर से, जैसे कि मेरा टी शर्ट नीला हो जाए। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है हम लोग का फोटो। तो हम लोग थोड़ा स्पीड कर लेते हैं वीडियो, करने के बाद थोड़ा हम लोग फेस में गोरा करेंगे, इसको माइनस करने के बाद इसको थोड़ा शर्ट में कलर लाने के लिए इस तरह करना होगा। करने के बाद देखिए हम लोग का फोटो रेडी हो चुका है, कितना अच्छे तरीके से। देखिए हम लोग अब बैकग्राउंड चेंज करेंगे, कितना अच्छे तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितना हार्ड तरीके से बैकग्राउंड हम लोग का ब्लैक हो रहा है, कितना अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कितना फाड़ू हो रहा है, कितना अच्छे तरीके से हो चुका है देख सकते हैं, किस तरह पहले था अभी देखिए। तब हम लोग ऊपर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने का सेव हो जाएगा हम लोग का फोटो। तो हम लोग चलते हैं स्केच बुक के अंदर, तो थोड़ा देर वेट कीजिए। अब मेरा फोटो लोडिंग ले रहा है, लेने के बाद देख सकते हैं हम लोग का फोटो आ चुका है, तो हम लोग थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे, इस वाले ब्रश को यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि मेरे चेहरे में मतलब लाइट आ जाए, तो देख सकते हैं हम लोग ब्रश यूज करेंगे फेस में, कितना अच्छे तरीके से यूज हो रहा है देख सकते हैं। देख लिए हम लोग का यहाँ हो चुका है, अब हम लोग नीचे गाल तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे टानेंगे, देख सकते हैं कितना लाइट आ रहा है, कितना अच्छे तरीके से, इधर भी हम लोग ऊपर से नीचे टान लेंगे, देख सकते हैं लाइट आ रहा है हम लोग का फेस में। तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग अब दूसरा ब्रश यूज करेंगे, इस वाला ब्रश को साइज आप लोग देख लीजिए, हम लोग थोड़ा जूम कर लेंगे, थोड़ा ब्रश को बड़ा कर लेंगे, बड़ा करने के बाद थोड़ा हम लोग इधर उधर चला लेंगे, थोड़ा बढ़िया से हल्का हल्का हाथ से, तो हम लोग चला रहे हैं, देखिए कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा स्पीड कर लेते हैं वीडियो, जैसे कि हम लोग का तुरंत हो जाए। तो हम लोग का रेडी हो गया, देख सकते हैं हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर एक लेयर ले लीजिए, यहाँ पर कलर ले लीजिए, लेने के बाद हम लोग दूसरे वाला ब्रश को यूज करेंगे, इसको नहीं, तो इस वाला ब्रश को यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लेने के बाद हम लोग का लिपस्टिक रेडी है, तो यहाँ से जो लेयर लिए थे हम लोग यहाँ से थोड़ा कलर चेंज है थोड़ा, देख लीजिए यहाँ से थोड़ा हम लोग कम कर लेंगे, जैसे बढ़िया दिखे होठ में। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हो चुका है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, या मेरे लेटेस्ट वीडियो आने के लिए सबसे पहले आप तक तुरंत। गुड बाय, बाय बाय।